चलो केमिस्ट्री के पहला क्लास में मैं आप लोगों को पहले चीज बताऊंगा, बेसिक 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 मतलब क्षारीय नहीं, बेसिक मतलब बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल फंडामेंटल मतलब मेंटल लोगों के लिए फंडा बनाया गया है ताकि जितने भी हमारे बायोलॉजी के मेंटल लोग हैं वो फंडा एकदम क्लियर हो सके तो लोग आगे बढ़ सके, ऐसा फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब कि सिंपल नॉलेज होता है, जो बेसिक नॉलेज जो हम एकदम जड़ से पकड़ते हैं। तो पहले मेरे को बताओ आप लोग, हम लोग कौन सा सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। पहले मेरे को बताओ केमिस्ट्री का अर्थ क्या है? आप लोग 11वीं पढ़ चुके हैं, 11वीं से 12वीं आ गए तो आप लोगों को तो बस इतना तो पता होगा कि केमिस्ट्री में हम क्या चीज पढ़ते हैं, क्या के बारे में बताया जाता है। केमिस्ट्री का बेसिक मतलब फंडा क्या है कि जैसे अब मैं रामायण बोल दिया तो रामायण जो ग्रंथ होता है उसमें राम के बारे में ही रहेगा, राम के गुणों का वर्णन रहेगा, उनकी विशेषताएं रहेगा, उसका क्रियाकलाप हर चीज रहेगा, उसमें अर्जुन का तो नहीं देगा। तो केमिस्ट्री में मेरे को बताओ कि क्या चीज के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में? वैसे मतलब बेसिक इसका चीज क्या है कि हम इसमें राम के बारे में पढ़ते हैं, अर्जुन के बारे में पढ़ते हैं, कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, क्या के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, बस मेरे को इतना बताओ। हाँ, केमिकल के बारे में। केमिकल मतलब वो जो भी दवाई माटी वगैरह रहता है, इन्हीं सब चीज के बारे में, केमिकल के बारे में ही, बस खाली केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एल्कोहल हो गया या फिर खांसी का सिरप हो गया या फिर वगैरह वगैरह, केमिकल ही एक मेन चीज है केमिस्ट्री में, क्या और कुछ है? क्या होता है बताओ? तत्व के बारे में। चलिए, आपने बोला तत्व के बारे में पढ़ते, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री में यदि सिंपल चीज मैं बोलूं तो एक वर्ड यूज होगा, पदार्थ। मतलब पदार्थ, कोई भी चीज को हम पदार्थ बोल सकते हैं, सब्सटेंस, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, मोबाइल हो गया, डस्टर एनीथिंग, जो भी चीज है, मतलब कोई चीज वस्तु, वही है ना पदार्थ। जैसे मान लीजिए मैं चौक के बारे में पढ़ रहा हूँ, सपोज डेट पदार्थ ना बोल के मैं अब इसको बोल रहा हूँ चौक, तो ये क्या है? तो चौक है, चौक के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके गुड़ के बारे में पढ़ोगे कि चौक क्या क्या फायदा करता है, इसका क्या क्या काम है, इससे लिखा जाता है, इसको खाया भी जाता है, इससे और जो भी चीज किया जाता है ना, ऐसा होता है, इसका गुड़ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में इसके गुड़ के साथ साथ हम पढ़ेंगे इसमें होने वाले परिवर्तन, मतलब इसमें कौन कौन सा अभिक्रिया होता है, कैसे परिवर्तन होता है वगैरह वगैरह, सब चीज इसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब कुल मिला के हम केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, मतलब किसी पदार्थ के गुड़, और गुड़ यहां दो प्रकार का होगा, एक तो भौतिक गुड़ होगा और एक रासायनिक गुड़ होगा, समझ में आ गया? अलग अलग गुड़ क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले बस आप इतना समझो कि हम केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, किसी पदार्थ के गुड़ के बारे में और इस पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में। अब पदार्थ में कैसे परिवर्तन होगा, किसी सब्सटेंस में कैसे परिवर्तन होगा, परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? होता है, जैसे इंसान का बॉडी है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन होता है ना, जैसे लोहा है, अब इसमें जंग लग जाता है धीरे धीरे, वो भी एक परिवर्तन ही है, समझ में आ गया? जैसे कपड़े का जो रंग है वो उड़ जाता है धीरे धीरे, वो भी क्या है? एक परिवर्तन है। तो कुल मिला के हम किसी पदार्थ के गुण और उसके परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, बस केमिस्ट्री में इसका यही मतलब है, मतलब परिवर्तन का अध्ययन करना, समझ में आ गया? किसके परिवर्तन का अध्ययन करना, तो किसी पदार्थ के गुण और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा केमिस्ट्री है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुण और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। समझ में आ गया? केमिस्ट्री क्या है, रसायन क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के गुणों और इसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। समझ में आ गया? अब उसके बाद में केमिस्ट्री का तो डेफिनेशन हमको समझ में आ गया, अब इसके साथ साथ हम इसमें और क्या चीज स्टडी करते हैं, एकदम बेसिक चीज से, अब पदार्थ के पूरा अंतिम छोर तक हम जाएंगे, अंतिम सांस तक एकदम बेसिक चीज का स्टडी करेंगे। एकदम बेसिक चीज मतलब समझ रहे हो, मतलब पदार्थ अब क्या से बना हुआ है। अब भाई विज्ञान यही तो खोज करता है ना, विज्ञान क्या 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 खोज करता है, एकदम जड़ को जानने का कोशिश करता है। ये चौक है तो चाक किससे बना है, उससे जो बना है वो किससे बना है, उससे जो बना है वो किससे बना है। तो जो यहाँ पदार्थ है, अब मेरे को बताओ पदार्थ किससे बना होगा,
आप लोग खुद बताओ मेरे को किससे बना होगा? पदार्थ जो बना हुआ है, कोई भी चीज कण से ही बना हुआ है, कण से बना हुआ है, भगवान कण कण में है, क्या बोलते हैं, कण कण में है पदार्थ। अब कण से बना हुआ है भाई, कण भी तो किसी न किसी चीज से बना होगा, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया, पदार्थ कण से बना है। पहले यह माना जाता था कि कण को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन बाद में इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाला गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाला गया, किसके अंदर से, कण के अंदर से। भाई अब वैज्ञानिक यहां भी सोच रहे हैं कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये किससे बना होगा, उससे भी और छोटा कण होगा, लेकिन हमको नहीं पता है, ठीक है, वैज्ञानिकों को भी नहीं पता होगा, वो लोग भी खोज रहे हैं इनसे छोटा कण क्या है। लेकिन आप जैसा भी बोलो, लेकिन जो सब चीज है वो किससे बना हुआ है, एनर्जी से ही बना हुआ। क्या से बना हुआ है? एनर्जी से ही बना। इसलिए तो आप लोग संस्कृत में पढ़ते हो ऊर्जा को, क्या बोलते हैं, आत्मा को, ना तो आग उसको जला सकती है, ना तो पानी भिगो सकती है, ना तो हवा सुखा सकती है, आत्मा के बारे में ऐसा पढ़े हो। तो आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही एनर्जी है, वही है ना। इसलिए तो हम बोलते हैं ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसके केवल रूप में परिवर्तन है। कितना सुंदर परिभाषा है, इसके केवल रूप में परिवर्तन होता है। आ गए ना समझ में? हो सकता है ऊर्जा किसी के अंदर में किसी और रूप से प्रकट होता हो, किसी के अंदर वो गुस्सा लेके प्रकट हो, किसी के अंदर थोड़ा सा इमोशन लेके प्रकट हो, किसी के अंदर कुछ भी लेके प्रकट हो सकता है, एनर्जी का जो स्वरूप है। तो कुल मिला के सभी चीज का जो मेन जिससे वो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, एनर्जी से ही बना हुआ है। और इसी को धार्मिक में हम बोलते हैं भगवान, और ज्यादा कुछ नहीं, इसी को बोलते हैं ईश्वर। इसीलिए तो बोलते हैं कि भगवान कण कण में है, मतलब कण के अंदर भी ये है, कण के बाहर भी ये है, कण ही ये है और यही कण है, समझ में आ गया? बस सब चीज एनर्जी ही है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में और भी बहुत सारे कण रहते हैं, पॉजिट्रॉन के साथ, लेकिन जो तीन है मेन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अब देखो जो भी चीज घटना होता है इसी की वजह से होता है, करेंट भी आता है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। देखो हम लोग इतने महान और इतने होशियार है, एकदम बेसिक चीज को पढ़ रहे हैं, करेंट कैसे आता है वो भी हमको पता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है ना। और जो नहीं पढ़ा लिखा होगा अब उसको जाके बोलो कि लोहा में करेंट आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, आपको गाली देकर भगा देगा, क्या को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बोले, समझ में आ रहा है? तो बस वही चीज तो है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में हम एकदम बेसिक छोटे लेवल से शुरू करते हैं उसको पढ़ना, और एकदम बड़े लेवल तक जाके फिर हम रुकते हैं, समझ में आ गया? तो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण तो कण ही है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और फिर यदि हम उसका और अंत में जाएं, लास्ट में जाएं, तो हर चीज किससे बना हुआ है, एनर्जी से। आप भी एनर्जी से बने हो, मैं भी एनर्जी से बना हो। जब आप खुद एनर्जी से बने हो मतलब आप पावरफुल हो कि नहीं हो, हो, क्योंकि आप खुद किससे बने हो, एनर्जी से बने हो। ये चौक भी पावरफुल है कि नहीं है? चौक भी पावरफुल है। यदि आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो इसके अंदर में इतना ऊर्जा निकलेगा, इतना ऊर्जा रिलीज होगा कि उसी ऊर्जा से बहुत कुछ काम हो सकता है, बस हमको पता नहीं है उसको कैसे यूज करते हैं, हमको नहीं पता। नहीं तो अभी सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न कर सकते थे क्या? सूर्य के प्रकाश से आप खाना बना सकते हो क्या? सूर्य के प्रकाश से आप आग जला सकते हो? ऐसे नहीं जला सकते। कहीं मेहमान आया है, आप अपने आंगन में ऐसे रख दिए कुकर में और ले खाना बन जा, गर्मी का दिन है तो बनेगा? नहीं बनेगा। आपको यूज करना आना चाहिए, उसके लिए हमको चाहिए सोलर कुकर। ऊर्जा पहले सोलर कुकर में आएगा, सोलर कुकर मस्त गर्म होगा, उसमें आप चावल डालोगे फिर वो खाना बने। यदि आपको कागज को जलाना है तो कागज को ऐसे आंगन में रख दोगे तो जल जाए? नहीं। उसके लिए दूरबीन लेना है, सूर्य के प्रकाश को फोकस करना है, फोकस करके उसको कागज में ले जाना है, तब जाके वो क्या होगा, जलेगा। समझ में आ गया? तो ऊर्जा को कैसे यूज करते हैं हमको आना चाहिए, मतलब कुल मिला के भगवान को कैसे यूज करना है हमको आना चाहिए, समझ में आ गया? लेकिन अब ये सोच के मतलब एकदम ज्यादा वो मत हो जाना कि अब हम ऊर्जा से बने हैं तो हम भगवान के लेवल के हैं, ऐसा नहीं, हम उनका छोटा सा भाग है, लाइक कण, समझ में आ गया ना। तो ये तो चीज समझ में आ गया हमको कि जो सबसे छोटा चीज है वो कण है, कण के अंदर में ये सब चीज रहते हैं, मतलब कुल मिला के किसी भी पदार्थ का जो सबसे मेन की वो किससे बना हुआ है, तो वो एनर्जी से ही बना हुआ, ठीक है। अब विज्ञान में जो जो वर्ड यूज होते हैं अब उसको मैं बता दे रहा हूं, विज्ञान में कौन कौन सा वर्ड यूज होते हैं, एटम, एटम नहीं एटम, क्या एटम, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु, क्या बोलते हैं परमाणु,
अब एक परमाणु क्या चीज होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई एक तत्व है, जैसे ले लो कार्बन एक तत्व है। अभी तक वर्तमान में 118 तत्व हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, बहुत सारे तत्व हो गए। हो सकता है आप लोग बड़े हो के और इसमें खोज करके 20 पूरा कर दो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी 18 तत्व है। अब कार्बन क्या है, एक तत्व है। कार्बन क्या है, एक तत्व है। अब इसके अंदर में बहुत सारे कण होंगे, कार्बन के बहुत सारे क्या होंगे, कण होंगे। जैसे हमारा बॉडी क्या से बना हुआ है, मिट्टी से, कोशिका। हमारा बॉडी क्या से बना हुआ है, कोशिका। सबसे जो छोटा कण है वो कोशिका, तो वो हम मानेंगे ना, है ना। ऐसे थोड़ी बोलेंगे हमारे बॉडी किससे बना है, तो हड्डी, नस, मांस, ब्लड, है ना। सबसे जो छोटा चीज है वो क्या है, सेल है। सेल, बैटरी वाला सेल नहीं, सेल, कोशिका। कोशिका से क्या बनता है, टिशू, उत्तक। उत्तक बनता है ना कोशिका से, उत्तक। उत्तक से अंग, ऑर्गन। अंग से अंग तंत्र, फिर अंग तंत्र से बॉडी, ऐसे बनता है ना। तो सबसे उसका छोटा भाग क्या है, सेल है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर में बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे बैटरी लगे हुए हैं, जिसके वजह से मैं यहां काम कर पा रहा हूं। यदि बैटरी खत्म हो जाएगा तो दरवाजा भी बंद हो जाएगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा खोल दो। तो ये समझ में आ गया। तो अब इस कार्बन के अंदर में बहुत सारे पर, अब कार्बन मान लो सी आप हो, जैसे मान लीजिए सिर्फ और कैट है, कोई बिल्ली है, उसके अंदर में बहुत सारे कोशिका है। तो एक कार्बन है, एक तत्व है। अब इस तत्व के अंदर में क्या है, बहुत सारे परमाणु है। समझ में आ गया, बहुत सारे परमाणु मतलब इसको कोई अलग चीज मत समझना, परमाणु मतलब कण ही है। समझ में आ गया, परमाणु मतलब कण ही है। ये चीज एकदम क्लियर हो गया ना। तो क्या इसके अंदर में परमाणु है, दुनिया का किसी भी पदार्थ है उसके अंदर में परमाणु है। अरे सब चीज कण से ही तो बना हुआ है, मैं अभी तो बोला परमाणु मतलब कण। समझ में आ गया ना, ओके। तो फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे है? लेकिन अब परमाणु का परिभाषा, चलिए उसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं हम, ये परमाणु क्या चीज है, ठीक है। परमाणु कभी भी अकेला नहीं रह सकता, एटम कभी भी अकेला नहीं रह सकता। क्यों अकेला नहीं रह सकता, भाई वो छोटा है। अब छोटा बच्चा को कहीं आप बोल दो जा सारंगढ़ में किराए रह के खाना वाला बना कर रहना, 3 साल के बच्चे को, तो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो भाई वैसी परमाणु है, अच्छा वो नहीं रह पाएगा तो कहां जाएगा, बातें आते हैं वो जाएगा कहां, कहां जाएगा भाई, वो रोता हुआ किसी न किसी इंसान के पास में चला जाएगा, ऐसी तो होगा ना। उसको लगेगा कि कोई ना कोई मेरी मदद करेंगे, आप रहोगे तो आपके पास भी आ सकता है रोते हुए। समझ में आ गए। तो एक कण है, एक कण कहां जाएगा, अच्छा इस कण को मैं यहां छोड़ा, वो कहां गया, कहीं ना कहीं जाके चिपक गया। अब कण ऐसा नहीं कि मुझे देखो ऐसे करके उड़ता रहेगा, उड़ता तो रहेगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं उड़ता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो चिपक जाएगा। समझ में आ गया, मतलब कुल मिला के जो परमाणु है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, एक बच्चा अकेला नहीं रह सकता, उसको हम बोलते हैं परमाणु। परमाणु एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। सिंपल परिभाषा, परमाणु एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। एकदम क्लियर है, ओके। अब जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, समझो हाइड्रोजन तत्व, तो इसके अंदर में हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु, बहुत सारे परमाणु, ठीक है ना, क्योंकि तत्व तो परमाणु से ही मिलकर बना हुआ है, एक ही प्रकार के परमाणु से। तो परमाणु है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, हमको पता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में परमाणु से मिल करके एक बड़ा चीज बनेगा, इस अणु बनेगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये परमाणु है, प्रकृति में वो एच के रूप में नहीं रहता, यहां जो घूम रहा है ना हाइड्रोजन वायुमंडल में, वो एच के फॉर्म में नहीं है, वो H2 के फॉर्म में, ये अणु है। समझ में आ गया, परमाणु H, H क्या है, परमाणु है, H2 क्या है,
अणु है, Cl क्या है परमाणु है, Cl2 क्या है अणु है, O क्या है परमाणु है, O2 क्या है अणु है। समझ में आ गया, परमाणु से मिलकर क्या बना, अणु बना। तो अणु भी तो एक छोटा कण ही है भाई, थोड़ा परमाणु से बड़ा है लेकिन ये भी क्या है, एक छोटा कण है। तो अब मेरे को बतावे जो अणु है एक या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, आप स्वतंत्र अवस्था में रह सकते, आप सभी अणु हो, यू आर मॉलिक्यूल। समझ में आ गया, आपको यदि अकेले रहने के लिए बोला जाए तो आप लोग खाना पीना बना के आप लोग अपना केयर कर सकते हो, देखभाल कर सकते हो, रह सकते हो ना, हाँ तो आप लोग अणु, आप लोग क्या हो, अणु हो। समझ में आ गए, तो अणु क्या है, अणु एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है, ये भी छोटा कण ही है, हम बोलेंगे छोटा कण ही। हाँ, अब अणु बोल दिया ऑक्सीजन का अणु तो इतना बड़ा नहीं होगा कि हाँ उड़ रहा है ऑक्सीजन का अणु, अब सांस ले रहे हो तो इतना बड़ा आपके नाक के अंदर जा रहा है, ठीक है, बुढ़ा बाल जैसा, फिर उस सिकुड़ के एकदम छोटा हो जा रहा है, फिर नाक के अंदर जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये भी एक छोटा कण ही है लेकिन इससे बड़ा है। तो अणु क्या है, अणु एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, बात खत्म। परमाणु क्या है, एक ऐसा छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु क्या है, ऐसा छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। ये चीज समझ में आ गए, अब परमाणु किसके अंदर में है, अरे परमाणु को ही तो कण बोलते हैं, ये तत्व के अंदर में है। यहां मैं क्या लिखा, हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है, इसके तत्व में बहुत सारे परमाणु हैं। समझ में आ गया, इसके अंदर में क्या है, बहुत सारे परमाणु हैं, मैंने किसी एक परमाणु को निकाला यहां, अरे फिर उससे मैंने अणु बनाया, अणु इसके अंदर में नहीं है, अब इस बात को ध्यान देना, ये तत्व है, तत्व के अंदर में बहुत सारे परमाणु, कार्बन के अंदर में कार्बन के ही परमाणु रहेंगे, ऑक्सीजन के अंदर में ऑक्सीजन के ही परमाणु रहेंगे, नाइट्रोजन के अंदर में नाइट्रोजन के ही परमाणु रहेंगे। समझ में आ गया, यस नो, ओके। अब उसके बाद में परमाणु समझ में आ गया, अणु समझ में आ गया, अब बात आता है यौगिक कंपाउंड जिसको बोलते हैं, नाम तो सुना ही होगा, कंपाउंड क्या क्या बोलते हैं यौगिक, आप लोग मेरे को बताओ, चलो नहीं पता, बहुत बढ़िया, आपसे यही उम्मीद थी, आप नहीं पता बोलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तभी मैं अच्छे से बताऊंगा, है ना। देखो कंपाउंड, कंपाउंड इसको हम बोलते हैं यौगिक, यौगिक मतलब योग, मतलब योगा नहीं ना, योग मतलब जोड़, बहुत सारी चीज को जोड़ के हम एक चीज बना देंगे यौगिक, बहुत सारी चीजों को हमें योग कर दिया और योग करके एक बना दिया, ठीक है ना। जैसे मान ले जाए, जैसे हमने H हाइड्रोजन को मिलाया, H2 और ऑक्सीजन को मिलाया, जल बन गया, ये क्या है, यौगिक। तो यौगिक में बहुत सारे तत्व तो मिले हैं ना कि नहीं, हाइड्रोजन तत्व है ना, ऑक्सीजन भी तत्व है, तो बहुत सारे तत्व तो मिलकर क्या बना लिए, यौगिक बना लिए। लेकिन ये आपस में जुड़े हैं तो एक निश्चित अनुपात में जुड़े हैं और एक निश्चित क्रम में जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हमने जोड़ दिया, समझ में आ रहा है ना, एक पूरा फुल रीति रिवाज के साथ, ठीक है ना, पूरे रीति रिवाज के साथ में लोग जुड़े हुए हैं, लाइक मैरिज, शादी होते हैं तो कुछ रीति रिवाज होता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि कंपाउंड बन गया, क्लियर ना, ऐसा नहीं कि कहीं से किसी को भगा के ले आया तो फिर वो कंपाउंड बना, वो मिश्रण हो गया, समझ में आ गया। तो यौगिक क्या है, जो तत्व हैं एक निश्चित क्रम में बंधे हुए हैं, एक निश्चित अनुपात में बंधे हुए हैं, इनका रेशियो भी, अनुपात भी निश्चित है, क्रम भी निश्चित है, हर चीज फिक्स है, इधर उधर ज्यादा कम मिला दोगे तो H2O नहीं बनेगा, समझ में आ गया ना, इसका रेशियो क्या है, एकदम फिक्स है, एकदम क्लियर है, ओके। तो यौगिक क्या है भाई, एक तत्व से तो यौगिक नहीं बनेगा, दो तत्व मिलेंगे या दो से ज्यादा तत्व मिलेंगे, अब इसमें दो ही तत्व है, देखो ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, समझ में आ गया। लेकिन मैं H2SO4 लिख दिया, अब इसमें तीन तत्व हैं, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, समझ में आ गया। तो दो में लिखूंगा या तो दो से अधिक लिखूंगा, एक नहीं लिख सकता, एक से यौगिक कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है। तो दो या दो से अधिक तत्वों को यदि निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते, समझ में आ गया। कभी कभी बोल चाल में अणु को भी यौगिक बोल सकते हैं, बोल चाल में कभी कभी H2O को भी अणु बोल दिया जाता है, बोल चाल के भाषा, कोई दिक्कत नहीं,
समझ में आ गए। लेकिन एक्चुअल जो इसका मीनिंग होता है ये होता है कि बहुत सारे तत्व तो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। अब भाई अभी तत्व है और तत्व के अंदर में परमाणु है, वो तो हमने पढ़ ही लिया, परमाणु से मिलकर अणु बना है, यहाँ H2 क्या है, अणु है। समझ में आ गया कि नहीं आया? यह सुनो, तो हम यौगिक को भी बोलचाल में अणु बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलचाल में आप लोगों को भगवान भी बोल दूं, ये भगवान खड़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू आर अ गॉड। समझ में आ रहा है? तो बोलचाल के भाषा में आप बोल सकते हो, इसीलिए बोलते हैं अंग्रेजी में स्पोकन में कोई रूल नियम नहीं होता, लेकिन ग्रामर पढ़ोगे तो नियम होता है। समझ में आ गया ना? ग्रामर में थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो नंबर कटेगा, ठीक है? जैसे कुछ भी काम को बोलेंगे कि मैं करेंगे, ठीक है, तो क्या दिक्कत है? सेंस तो समझ में आ रहा है ना, उसका मतलब तो समझ में आ रहा है। आप इमोशंस को समझो, उसकी फीलिंग को समझो कि वो क्या बोलना चाह रहा है। भाई एक बच्चा है, वहां की कुछ भी चीज बोलता है तो हमको समझना पड़ता है ना, मम 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 करते रहता है, हमको समझना पड़ता है कि वो पानी मांग रहा है। अब वो थोड़ी ना बोलेगा प्लीज गिव मी वाटर एकदम फुल, ठीक है ना? कुल रूल नियम के साथ ऐसा नहीं बोलेगा बच्चा, ठीक है ना? किसी का बच्चा आएगा तो ऐसा नहीं बोलेगा। समझ में आ गया? अच्छा क्या चीज पढ़ा रहा था, टिफिन देख के भूल गया मैं। हाँ यौगिक है ना, तो तत्वों का जो एक निश्चित अनुपात होता है वो यौगिक होता है, तो कभी कभी बोलचाल में यौगिक को भी अणु बोल देते हैं, यू कैन से बोल सकते हैं। यौगिक समझ में आ गया? तो दो या दो से अधिक तत्वों को यदि निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जो पदार्थ बनता है हम उसे यौगिक बोलते हैं। यौगिक भी एकदम क्लियर हो गया? यस और नो? ओके, अब यौगिक को आप पहचान सकते हो, भाई ये यौगिक है कि नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है कि नहीं है, हाँ Al2O3 यौगिक है कि नहीं है। भाई ये सब दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है एक निश्चित क्रम में, तब न जाके यौगिक बना हुआ है, ठीक है? अणु भी आप पहचान सकते हैं, ओ परमाणु O2 अणु, समझ में आ गया? अणु पहचानने में क्या दिक्कत है, क्लियर ना? समझ में आ गया? अब उसके बाद में एक चीज और बताता हूं जिसको बोलते हैं मिक्सचर। हाँ मतलब जला रहा, मिक्सचर नहीं, मिक्सचर आप लोगों ने पढ़ा होगा, मिक्सचर मिक्स जिसको हम कर देते हैं, मिक्स मिक्स टूरे मिक्सचर, स्पेलिंग तो ऐसे ही याद करते हैं, हम भी ऐसे ही याद करते हैं, कल्चर को कुलटूरे बोलते हैं हम लोग, कुरकुरे नहीं कुलटूरे, ठीक है मिक्सचर। अब मिक्सचर मतलब होता है मिश्रण, मिश्रण मिश्रण। अब ये मिश्रण क्या है? अब मिश्रण के लिए कोई फिक्स रेशियो नहीं रहता, इसके लिए कोई अनुपात की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? आप जितना चाहो मिला दिए, एक मुट्ठी मिला दिए, दो मुट्ठी मिला दिए, इधर से मिला दिए, एक चुटकी मिला दिए, मिक्सचर बन गया। समझ में आ गया? जैसे लाइक जब मुर्रा से क्या बनाते हैं जी, उसको मिक्स करके बनाते हैं जी, क्या बोलते हैं वो जो बना के बेचते हैं ना, चना मुर्रा और कुछ बोलते हैं शायद ऐसा, भेल, एक नंबर का भेल है, ठीक है ना? तो भेल में कोई फिक्स रेशियो थोड़ी ना रहता है कि मैं 100 मुर्रा का दाना लूंगा, 15 मिक्सचर का दाना, प्याज इतना ग्राम, ऐसा कोई फिक्स रेशियो रहता है नहीं, वो अपने हिसाब से ऐसे करता है, वो मिक्सचर है। आप शरबत बनाते हैं, कोई मेहमान आया, आप पानी ले लिए, शक्कर ले लिए, उस हिसाब से कि स्वादिष्ट हो थोड़ा सा, ठीक है, नींबू का वो ले लिए, उसके लिए कोई फिक्स रेशियो थोड़ी ना करते हैं कि वहाँ कुछ मापने का रखे हो, ठीक है, एकदम से वहाँ से तौल तौल के सबको इसे मिला रहे हो, ऐसा नहीं है ना। हाँ लेकिन जो सिरप बना है, सिरप उसका रेशियो फिक्स है, उसमें जो दवाई वगैरह बनाते हैं ना, फिक्स रेशियो में मिलाए रहते हैं। यदि अल्कोहल ज़्यादा मिलाया रहेंगे तो आप सिरप पी के स्कूल में आओगे तो ऐसे ऐसे करते हो जाओगे, मैं खांसी का सिरप पी हूँ बोल के, ठीक है ना? तो रेशियो फिक्स रहता है, मिश्रण में कोई फिक्स रेशियो नहीं रहता। तो मिश्रण क्या है, मतलब दो या दो से अधिक, अब तत्व भी बोल सकते हो, कोई पदार्थ भी बोल सकते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बनता है हम उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। मतलब इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है, इसमें जो अनुपात रहता है वो फिक्स नहीं रहता, बस इतना चीज समझ में आ गया। इसमें रेशियो क्या नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, लेकिन यौगिक में रेशियो फिक्स रहता है। इसमें रेशियो फिक्स है, मतलब अनुपात इसमें फिक्स नहीं है, बस आप तत्व को मिलाओ, किसी पदार्थ को मिलाओ, कुछ भी चीज को मिलाओ, किसी चीज वस्तु को मिलाओ, कुछ भी चीज को मिलाओ, दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है हम उसे मिश्रण बोल देते हैं, बात खत्म।
यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं यौगिक। परमाणु, परमाणु एक ऐसा छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, बात खत्म। अणु, अणु एक ऐसा छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ये सबका तो डेफिनेशन सरल है, एग्जाम्पल भी पहचान में आ गए आप लोगों का, जैसे H है, H2 है, AH2O है, मिश्रण का शरबत लिख दो, शरबत, शरबत आप लिख दो, ठीक। अच्छा अब इसमें एक चीज आ रहा है तत्व। अच्छा तत्व का परिभाषा मेरे को बताओ तो, तत्व क्या है, क्योंकि सभी परमाणु तत्व के अंदर में ही है ना, तत्व क्या है, व्हाट इज तत्व, बताओ मेरे। इतना गर्मी में कैसे बढ़ा है, माय गॉड। तत्व, तत्व क्या है भाई, परमाणु से मिलकर बना हुआ है ना, मैं अभी स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया, जैसे हाइड्रोजन है तो इसके अंदर में बहुत सारे हाइड्रोजन के परमाणु। अच्छा इसमें केवल एच एच एक ही प्रकार के परमाणु है कि हम इसमें बीच में कहीं कार्बन के परमाणु भी घुसा सकते हैं, नहीं, समझ में आ गया है ना, नहीं ऐसा नहीं, मतलब हाइड्रोजन के अंदर में हाइड्रोजन के ही परमाणु रहेंगे तब तो हाइड्रोजन कहलाएगा, क्लियर ना, मतलब एक ही प्रकार के परमाणु से मिल के बने हुए पदार्थ बोल सकते हैं को हम तत्व कहते हैं, समझ में आ गए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व। कितना सिंपल परिभाषा, लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम माइंड में एकदम क्लियर, कौन परमाणु है, कौन अणु है, कौन तत्व है, कौन यौगिक है, कौन मिश्रण है, क्योंकि ये सब वर्ड बार बार यूज होते रहते हैं इसलिए बोल रहा हूं, समझ में आ गया ना, ओके। तो तत्व क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व का, समझ में आ गया। अब इतना लॉजिक एकदम क्लियर है तो बहुत बढ़िया, अब उसके बाद में लॉजिक तो और है बताने का बहुत सारा चीज।